हेलो नमस्ते, दिस इज डॉक्टर रेखा लोखंडे एंड वेलकम टू फिजियोली। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में हम फास्ट फूड ज्यादा खाने लगे हैं, पैकेज फूड ज्यादा खाने लगे हैं, क्विक स्नैक्स ज्यादा लेने लगे हैं, फलों और सब्जियों की अहमियत दिन पर दिन घटती जा रही है। पीसफुली बैठकर बिना किसी डिस्ट्रक्शन के खाना खाने की अहमियत तो लुप्त सी होती जा रही है। सो डेफिशिएंसीज आर बाउंड टू हैपन। टू ओवरकम दिस डेफिशिएंसीज पीपल आर हैविंग द हैबिट ऑफ ईटिंग सम सप्लीमेंट्स लाइक कैल्शियम पील्स, मल्टीविटामिन पील्स, बी कॉम्प्लेक्स पील्स एंड सो ऑन। और ये एक रूटीन सा बन गया है सभी के लिए। बट ऑलवेज रिमेंबर दीज सप्लीमेंट्स हैव देयर ओन डिसएडवांटेजेस एंड वी शुड ऑलवेज गो फॉर समथिंग नेचुरल एंड इट इज अवेलेबल, सो व्हाई नॉट। अगर इन सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो इनका एब्जॉर्प्शन रेट नेचुरल सोर्स के कंपैरिजन में बहुत ही मिनिमल है। और जब आप बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं तो ये आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा हेल्थ हजार्ड्स को क्रिएट करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, अगर आप आयरन टेबलेट्स बहुत लंबे समय से खा रहे हैं तो ये आपके शरीर में एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट को कम कर सकता है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैल्शियम टेबलेट्स बहुत लंबे समय से खा रहे हैं तो ये आपको कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज की प्रॉब्लम दे सकता है, इसके अलावा किडनी स्टोन्स दे सकता है। अगर विटामिन सी आप लंबे समय से ले रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपको डायरिया दे दे, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की डेथ होने तक के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा काफी केसेस में ये देखा गया है कि जो लोग लंबे समय से सप्लीमेंट्स लेते हैं, कई बार उनका हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन डायबिटीज तक के रिस्क तक इंसान पहुंच सकता है। तो आप देखिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप इन सप्लीमेंट्स को छोड़कर इनकी जगह पर नेचुरल नॉर्मल हेल्दी सोर्सेज से अपने सभी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को पूरा करने की कोशिश करें, जिससे आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। इन सर्टन केसेस सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल प्रेग्नेंट वुमेन्स, इन लैक्टेटिंग वुमेन्स और इवन इन द मेनोपॉज टाइम वुमेन्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सप्लीमेंट्स। Even for the people who have a few kind of allergies, they are also given some of the supplements. But always remember, this has to be done under the doctor's prescription. But if you are a normal human being, you should not be living your life on the supplements. And always remember कि आपको अपने सारे न्यूट्रिएंट की पूर्ति आपको नेचुरल नॉर्मल सोर्सेज से ही लेनी चाहिए, जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल देगा और आपको इन सब रोगों से मुक्ति देने में हेल्प करेगा। फर्स्ट इज रिप्लेसिंग कैल्शियम टैबलेट्स। जनरली पीपल विथ ऑर्थराइटिस कंडीशन, पीपल हु हैव अ पेन इन डिफरेंट जॉइंट्स, पीपल हु हैव अ मसल पेन, दे आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कैल्शियम टैबलेट्स। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इनको नेचुरल सोर्स से हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हमें अपने शरीर में दूसरे सभी मिनरल्स के कंपैरिजन में कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि कैल्शियम हमारे शरीर के सभी बोन्स और टीथ बनाने में यूज होता है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। मसल फंक्शनिंग और नर्व सिग्नलिंग के लिए भी हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन्हें टैबलेट से नहीं बल्कि इनके नेचुरल सोर्स से ही लें, क्योंकि ये हमारे ओवरऑल हेल्दी फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज सीड्स। सीड्स आर टाइनी न्यूट्रिशनल पावर हाउसेस। ये कैल्शियम के रिच सोर्स होते हैं, जैसे सीसम सीड्स, चिया सीड्स, पॉपी सीड्स। सीड्स में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स पाया जाता है, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ साथ कॉपर, आयरन और मैग्नीज भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सो प्लीज इंक्लूड दीज सीड्स इन योर डेली लाइफस्टाइल। नंबर टू इज मिल्क, चीज एंड योगर्ट। इनमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसके अलावा इनमें प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन डी ये भी बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। इसलिए हमेशा अपने डेली मील्स में या फिर ब्रेकफास्ट में या लंच में या फिर इवनिंग स्नैक के टाइम पर इनमें से कोई भी चीज को अपने डेली मील्स में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। नंबर थ्री इज डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि स्पिनच, मेथी एंड केल। इनमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसके अलावा इनमें विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इसलिए प्लीज इन्हें अपने डेली मील्स में जरूर इंक्लूड करें। सेकेंड इज रिप्लेसिंग विटामिन सप्लीमेंट्स।
विटामिन सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इनमें काफी तरह के डिफरेंट विटामिन बी पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9, B10 एंड B12। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नेचुरल सोर्सेस के बारे में। तो हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस मिलता है होल ग्रेन्स में से, स्प्राउट्स, सीरियल्स, बीट रूट्स, पोटेटोज, एवोकाडोज, ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट एंड चीज। दे आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। ये फर्मेंटेड फूड लाइक इडली, डोसा, ढोकला, राइस एंड कर्ड मिक्सचर, दे ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा अगर आप फ्रूट्स की बात की जाए तो ये बनानास एंड वाटरमेलन्स में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ऑल द बीन्स लाइक चिक पीस, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स आर ऑल्सो हाईली रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज विटामिन सी। सभी जानते हैं कि विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन की अच्छी एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसके अलावा ये हेल्दी स्किन, हेयर और नेल्स के लिए भी हमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि विटामिन सी के सोर्सेस क्या है। तो सभी जानते हैं कि विटामिन सी सभी सिट्रस फ्रूट्स में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इनके सोर्सेस के बारे में, जैसे कि लेमन, आंवला, ऑरेंज, मैंडरिन, गुआवास, लीचीज, पपैया, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेपफ्रूट्स एंड लाइम्स। इन सभी में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, सो प्लीज इंक्लूड दीज फ्रूट्स इन योर डेली डाइट। अगर वेजिटेबल्स की बात की जाए तो कॉलीफ्लावर, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, स्पिनच, कैबेज, स्वीट पोटेटोज, व्हाइट पोटेटोज एंड टोमेटोज आर वेरी गुड रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, सो प्लीज इंक्लूड दीज वेजिटेबल्स इन योर डेली डाइट। Next is vitamin A, which is very essential for our eyes. So let's discuss all the natural sources. Carrots, papaya, mango, sweet potatoes, pumpkin, eggs, milk, all the green leafy vegetables like spinach, kale and methi. Also tomatoes and red capsicums are a very rich source of vitamin A. So please include these vegetables and fruits in your daily meals. Next is vitamin D, which is very essential for stronger bones. So let's discuss the sources. सनलाइट, इसके अलावा ये मशरूम्स में, एग योक्स में, फोर्टिफाइड सीरियल्स में, फोर्टिफाइड आमंड मिल्क्स में, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूसेस में विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड योगर्ट इज ऑल्सो फुल रिच ऑफ विटामिन डी, सो प्लीज इंक्लूड दीज ऑल्सो इन योर डेली मील्स। नेक्स्ट इज विटामिन ई, इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट योर सेल्स फ्रॉम डायबिटीज। सो लेट्स डिस्कस ऑल द नेचुरल सोर्सेस। Sunflower seeds, almonds, peanuts, pumpkin, spinach, red capsicum, avocados, mangoes and apples, these are the rich source of vitamin E, so please include these in your daily meals. Vitamin K is very essential for blood clotting, it protects you from the blood loss, so let's discuss all the natural sources. Cabbage, cauliflower, methi, spinach, kiwi fruits, blueberries, carrots, pomegranate juice and cucumbers, these are the rich source of vitamin K. So to overcome the deficiencies of vitamin K, please include these meals in your daily diet. Next is protein supplements. Mostly लोग muscle building के लिए protein supplements लेते हैं, लेकिन आप natural source से भी protein को पा सकते हैं. So let's discuss all are the natural sources. Sprouts, tofu, paneer, almonds, cashews, pistachios, walnuts, seeds, lentils, chickpeas and most varieties of all the beans, they are very good rich source of protein. Iske alawa mutter, black beans, kidney beans, chia seeds, nuts, seeds, potatoes and sweet corns are also very rich source of protein. So please include these in your daily diet with milk and yogurt and all the dairy products, they are also very rich source of protein to overcome the protein deficiencies and to build the muscles. So as I have described, please don't use supplements for nutritional deficiencies unless and until it is prescribed by your doctor. Please have all these natural normal sources to overcome all your nutritional deficiencies and to live a healthy, beautiful, energetic life. So if you have found my today's video knowledgeable and informative, so please do like, follow and subscribe to PhysioLive and don't forget to share with your friends and family. Thank you so much for watching.